मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा ने बैन अलाक्वामी तालब इल्मों के वीज़ों में 35% कमी कर दी। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि रिहायशी इमारतों की शदीद किल्लत के पेश नज़र फैसला किया गया है। ये इकदाम इनफरादी बैन अलाक्वामी तलबा के खिलाफ नहीं है। कनाडा में अमरीकी सदारती इंतखाबात, लिबरल काबीना के एजेंडे पर सरे फहरिस्त। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कनाडा और अमरीकी मईशतें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अमरीकी इलेक्शन कोई भी जीते, हम तैयारी कर रहे हैं। कनाडा के सूबे ऑटावा में दुनिया का सबसे बड़े कुदरती आइस स्केटिंग एरिया दोबारा खोल दिया गया। 1.9 किलोमीटर का हिस्सा स्केटर्स के लिए खुला रहेगा। गुज़िश्ता साल पहली बार इस स्केटिंग एरिया को नहीं खोला गया था। चीन में शदीद जलजला, कई इमारतें ज़मीन बोस, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कारकुनों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा की हुकूमत ने मुल्क में घरों, रिहायशी इमारतों की शदीद किल्लत के पेश नज़र बैरूनी मुल्कों से हुसूल तालीम के लिए आने वाले तालिबे इल्मों पर मुख्तलिफ नौयत की पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने मुल्क में घरों, रिहायशी इमारतों की शदीद किल्लत के पेश नज़र बैरूनी मुल्कों से हुसूल तालीम के लिए आने वाले तालिबे इल्मों पर मुख्तलिफ नौयत की पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया है। इमिग्रेशन के वज़ीर मार्क मिलर ने ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत आइंदा के दौरान तलबा के इजाज़त नामों की तादाद को महदूद कर देगी। बयान में कहा गया है कि बैन अलाक्वामी तालबे इल्मों की कनाडा में रिहाइश पर 2 साल की पाबंदी आयद की जा रही है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। हुकूमत का कहना है कि वो 2024 के लिए तकरीबन 360,000 अंडर ग्रेजुएट स्टडी परमिट्स की मंजूरी देगी, जो 2023 से 35% कम है। हुकूमत ने यह भी कहा है कि मुख्तलिफ शोबों के पोस्ट ग्रेजुएट तालबे इल्मों को तालीम मुकम्मल होने के बाद अब वर्क वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे और उन्हें अपने मुल्क वापस जाना होगा। इससे कबल अक्सर शोबों में डिग्री हासिल करने के बाद हुकूमत उन्हें कुछ मुद्दत तक कनाडा में काम करने के लिए वर्क वीज़ा जारी करती थी। हुकूमत का कहना है कि इन इकदामात का मकसद मुल्क में घरों की किल्लत से पैदा होने वाले बहरान से निमटना है। बैन अलाक्वामी तालबे इल्म कनाडा की यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों की आमदनी का एक बड़ा जरिया है। इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने कहा कि इस पाबंदी के नफाज के लिए वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर काम करेगी जो तालीमी निज़ाम के निगरान हैं। उन्होंने कहा कि इस पाबंदी की बुनियादी वजह कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बैन अलाक्वामी तालबे इल्मों के मफादात का तहफ्फुज़ करना है। वो अक्सर प्राइवेट जगहों पर ठहरते हैं और उन्हें कम सहूलतों के लिए ज़्यादा अदायगी करनी पड़ती है। मार्क मिलर का कहना था कि इस इकदाम से रिहायशी इमारतों और सर्विसेज पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मिलर ने कहा, बिल्कुल वाज़े हो, ये इकदाम इनफरादी बैन अलाक्वामी तलबा के ख़िलाफ़ नहीं है। उन्हें इस बात को यकीनी बनाना है कि जैसे ही मुस्तकबिल के तलबा कनाडा पहुंचेंगे, उन्हें तालीम का वो मयार मिलेगा जिसके लिए उन्होंने साइन अप किया था और वो उम्मीद जो उन्हें उनके आबाई ममालिक में फराहम की गई थी। कनाडा के सनत के वजीर का कहना है कि कनाडा और अमरीकी मईशतें पहले से कहीं ज़्यादा मरबूत हैं, जिन्हें अमरीकी तहफ़ पसंदी के ख़तरे के खिलाफ बुफर के तौर पर काम करना चाहिए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा सनत के वजीर फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन का कहना है कि कनाडा और अमरीकी मईशतें पहले से कहीं ज़्यादा मरबूत हैं, जिन्हें अमरीकी तहफ़ पसंदी के ख़तरे के खिलाफ बुफर के तौर पर काम करना चाहिए।
शैम्पियन और उनके साथी लिबरल वज़रा अपने तीसरे और आखिरी दिन की मीटिंग्स मौसम सरमा की काबीना के अजलास में आइंदा पार्लिमानी अजलास की तैयारी में करेंगे। बातचीत के पहले दो दिनों में मुआशियात और इस्तेदात का गलबा रहा, लेकिन आज मामलात बैन अल-अक़वामी सतह पर बदल जाएंगे। खास तौर पर काबीना आइंदा अमरीका के सदारती इंतखाबात और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी के हकीकी इम्कान पर तबादला ख्याल करेगी। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जूली का कहना है कि चाहे वो सदर जो बाइडन का दोबारा इंतखाब हो या ट्रंप के लिए दूसरा मौका हो, कनाडा व्हाइट हाउस के लिए 2024 की दौड़ में किसी भी मुमकिन नतायज के लिए तैयारी कर रहा है। शैम्पियन का कहना है कि कनाडा और अमरीकी मईशतें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब इससे भी ज्यादा है और दोनों ममालिक में लाखों मुलाजमतें इस इस्तेहकाम पर मुनहसर हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सेमी कंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी और ऑटो सेक्टर शामिल हैं। 2022 में कनाडा ने बाइडन के अफराद-ए-ज़र में कमी के एक्ट में इस तस्ना के लिए सख्त लॉबिंग की ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कनाडा की बैटरियों या पुर्जों से बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब भी बड़े अमरीकी टैक्स क्रेडिट के लिए अहल होंगी। ये कहीं ज्यादा मुश्किल होता, उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में IRA शुमाली अमरीका में दोबारा सनअतकारी के लिए उतर परेक था। माहरीन का कहना है कि कनाडा को तैयार रहने की जरूरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है, क्योंकि बाइडन और ट्रंप दोनों के तहफ्फुज़ पसंद रुझानात हैं। कनाडा में दुनिया के सबसे बड़े कुदरती आइस स्केटिंग एरिया राइडो कैनाल स्केटवे को गुज़िश्ता दिनों दोबारा से खोल दिया गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में दुनिया के सबसे बड़े कुदरती आइस स्केटिंग एरिया राइडो कैनाल स्केटवे को गुज़िश्ता दिनों से दोबारा खोल दिया गया है। नेशनल कैपिटल कमीशन का कहना है कि वो 7.8 किलोमीटर के रिंग के मज़ीद हिस्से खोलने का इरादा रखता है, क्योंकि बर्फ़ के हालात महफूज होते जा रहे हैं। कनाडा में आमतौर पर सख्त सर्दी के दौरान स्केटिंग और मुहिमजुई के शौकीन अफराद के लिए ये स्केटवे काफी कशिश रखता है। नेशनल कैपिटल कमीशन का कहना है कि कनाडा का मशहूर राइडो कैनाल स्केटवे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती आइस स्केटिंग रिंक है, इसे 2 सालों में पहली बार इतवार की सुबह स्केटिंग के लिए खोल दिया गया है। NCC का कहना था कि प्रिटोरिया ब्रिज और बैंक स्ट्रीट के मकाम के दरमियान 1.9 किलोमीटर का हिस्सा स्केटर्स के लिए खुला रहेगा। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में वाकया 7.8 किलोमीटर तवील राइडो कैनाल स्केटवे को पहली बार 50 साल कबल खोला गया था। यह यूनेस्को के आलमी सकाफती वरसे का हिस्सा है। बर्फ की कमी की वजह से पिछले सीजन के दौरान 2023 के अवाइल में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस कुदरती एरिया को स्केटिंग के लिए नहीं खोला गया था। NCC के CEO टॉबी नॉसबॉम ने कहा कि हमारी टीम ने पिछले साल जिन मुश्किलात का सामना किया था उनसे बहुत कुछ सीखा है और इस साल मौसमी दर्जा हरारत को पेश नज़र रखते हुए इकदाम करने में कामयाब रहे हैं। चीन में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले के नतीजे में मुतादिद इमारतें जमीन बोस हो गईं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले के नतीजे में मुतादिद इमारतें जमीन बोस हो गईं। जलजले की वजह से इमारतें लरज उठी और लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुतादिद मकानात और मवेशियों के बाड़े मुनहदिम हो गए, जिसके बायस कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। इमदादी कारकुनों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासर इलाके से 200 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। 47 अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सूबे सिंकियांग के जनूबी हिस्से में जलजला आया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। चीन के अलावा जलजले के झटके भारत में भी महसूस किए गए। जलजले का मरकज वोशी काउंटी में 22 किलोमीटर गहराई में था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।